सुशांत की हत्या की ये जो लड़ाई है, जो सड़क से निकल करके अब संसद तक पहुंच चुकी है और उसमें रोजाना नए नए बहस हो रहा है। परसों जिस प्रकार से रवि किशन ने बयान दिया ड्रग्स को लेकर के, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के, और ये जया बच्चन का ये जो स्टेटमेंट था बॉलीवुड में ड्रग माफियाओं के समर्थन में, तो जया बच्चन को ये पूछता हूं कि वो दिन वो कहां थी कि हमेशा उनका मुंह चुप रहता है और जब ड्रग की बात आई तो उनके बयान आने लगे और संसद में उन्होंने अपनी बात को उठाई। सबको ये पूछ रहा है, आज पूरा देश ये उनसे ये पूछ रहा है कि जब गोधरा में हिंदुओं को जलाया गया उस दिन वो क्यों चुप थी, सुशांत की हत्या हुई उस दिन वो क्यों चुप थी, दिशा की हत्या हुई उस दिन क्यों चुप थी, और समीर की हत्या हुई तो क्यों चुप थी, अनुपमा पाठक की हत्या हुई तो क्यों चुप थी, और सिर्फ ड्रग के मामले में अचानक से आकर के उनका यह बयान देना, रवि किशन की बातों को काटना और रवि किशन पे प्रहार करना कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जया बच्चन जी, आप ये बताएं कि जिस थाली में हम खाते हैं उस थाली को साफ करके रखना भी जरूरी है, छेद करना तो दूर की बात है। अगर थाली साफ नहीं होगा और जिस प्रकार से बॉलीवुड के अंदर ड्रग माफियाओं का ये जो कारोबार चल रहा है और ड्रग माफिया जिस प्रकार से हावी हैं, तो उनको साफ करना जरूरी है। इसलिए थाली को साफ करिए, और जब तक थाली में सफाई नहीं होगी तो थाली छलनी छलनी हो जाएगी और इससे पूरा बॉलीवुड, पूरा देश और पूरे देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इसको रोकने के लिए सबको एक होने की जरूरत है, और जितने ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, जितने ये लोग समर्थन कर रहे हैं बॉलीवुड में, उन सबका बहिष्कार करने की जरूरत है। हर किसी का बहिष्कार होगा जो भी बॉलीवुड के ड्रग माफियाओं का समर्थन करेगा। जय हिंद।